जय हिंद दोस्तों, जय शिव काली। ये बालू काटिंग गांव है रांगा पहाड़ में। कल रात को रुके थे इस भाई के घर में और साइकिल को यहां पर रखे थे। फिलहाल के लिए हम यहां से निकलने वाले हैं, चलेंगे आज लामडिंग के रास्ते। गांव के रास्ते होते हुए गुजर रहे, थोड़ा सा रास्ता ख़राब रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू भाई, शुक्रिया आप लोगों को। शाम को आसाम में घुसे थे। अभी ये जो पेड़ सब दिख रहा है, ये सब रबड़ के पेड़ है, रबड़ की खेती होती है। और इसी थोड़ी सी रबड़ के जंगल है, इसके बगल से यहाँ पे ना एक घर है, जहाँ पे वो जो दिख रहा है लटकाया हुआ ना कपड़ा जैसा, वो सब रबड़ का ही प्लेट है, रबड़ का शीट है। तो इस तरह से बनते हैं रबड़। फैक्ट्री होगा ये शायद, छोटा मोटा साइज का। अच्छा है। तो फिलहाल चल रहे हैं लामडिंग होते हुए हाफ लॉन्ग शिलचर होके, हम किधर हम जाएंगे। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा आराम से जाना पड़ेगा। फिलहाल इसको बंद करेंगे। मेरा गैस सिलेंडर खाली हो चुका था ना, तो सोचे यहाँ से थोड़ा सा गैस भरवा लेंगे। तो लोग भी ऐसे भी पूछते हैं कि कहाँ से गैस भरवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं ना रास्ते में, मिल जाते हैं अलग अलग जगह में, तो वहाँ से चाहे तो भरवा सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरा गैस सिलेंडर रिफ़िल हो रहा है। और मैं सोचा था कि अगर ये थोड़ा सा सिलेंडर चेंज होकर छोटा वाला मिल जाता तो बढ़िया रहता। वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पर जो इसका नोज़ल है ना, ये छोटा साइज का है, और मेरा जो सिलेंडर का जो चूल्हा है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो वो चेंज हो नहीं पाया। अपन कर देते, खैर जो भी हो। तो फिलहाल यहाँ पे रिफिलिंग चल रहा है, आगे खाना वाना पकाने में मदद मिल जाएगी। उठाओ बाबी के। अभी हम जा रहे हैं दीपू के तरफ लामडिंग, और हाफलॉन्ग होते हुए जाएंगे मिजोरम की तरफ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर से रुके हुए हैं और कपड़ा को धो के सूखने के लिए दिए हैं। और फिलहाल मैं नंगा हूँ, आधा नंगा। और अभी हम खाएंगे बैर। तो ये असम की बैर है, अभी इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ज़्यादा मीठा नहीं है, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, ज़्यादा खट्टा थोड़ा मीठा है, मीठा कम है, छोटा खट्टा ज़्यादा। थोड़ा बड़ा साइज का तोड़ेंगे ना तो घर आएगा, पर उतना दूर हाथ नहीं जाएगा। तो एंजॉय करते हैं। फिलहाल अभी आसाम के दीपू में आके पहुँचे हैं, और काफ़ी बड़ा शहर है। फिलहाल हम चले जाएंगे लामडिंग की तरफ। से एक मंदिर है भोलेनाथ की, और फिलहाल आप दीपू में आप पहुँचे हैं, आसाम के दीपू में। और यहाँ पे एक मेरे को अलग टाइप का एक चीज़ दिखाई दिया ना, कल्चरल जो इनका ये यहाँ पे कार्वी लोगों का एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे उनके कल्चर के बारे में उनको कुछ जानेंगे हम उनसे। और यहाँ पे मुझे एक मंदिर दिखाई दिया था रास्ते से चलते वक्त, जो मुझे मंदिर जैसा ही लगा, तो मैं सोचा यहाँ पर रुक के एक बार पूछ लेते हैं ना, रुकने का बनता है क्यों। तो बाद में पता चला एक मंदिर ही है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्या है क्यों है, हम उनसे एक बार बात करेंगे उनके लोगों से, तो फिर पूरी पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। बोर्ड देख ले, ऑफिस ऑफ द कार्वी भक्तितम ट्रस्ट, हेमपू कल्चरल कॉम्प्लेक्स, दीपू, लामडिंग रोड, दीपू, कार्वी एंग लॉन्ग असम। तो यहाँ पे एक उनका कल्चरल जो भी
उत्कृष्टता होते हैं उनके प्रदर्शन, फिर उनका आपसी में उनका मेल झोल, कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसा ही कुछ होता है ना। तो अभी कुछ दिन पहले आप सामने कुछ यहाँ से दीपू के अंदर एक प्रोग्राम हो चुका है कार्बियों का यूथ फेस्टिवल, कार्बी यूथ फेस्टिवल। तो हम फिलहाल उससे थोड़ा सा जानेंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हमारा देश का खूबसूरती यही है कि हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म के लोग सब मिलजुल के रहते हैं और प्यार से रहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे असम के कार्बी में और यहाँ पे कार्बी जातियों का एक मंदिर में आप पहुँचे, कल्चरल उनका प्रोग्राम जहाँ पे होते हैं। तो हम उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे कि क्या है उनकी खासियत। जी सर, पहले आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम है देवेंतिमु। देवेंतिमु, मैं यहाँ का संप्रदाय हूँ, कार्बी संप्रदाय का। अच्छा, और हम लोग का जो बीच में पीछे में जो मंदिर है वो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, ये तो हर दिन में हम लोग करता है, लेकिन साल भर में हम लोग February 9 में उस तारीख में हम लोग ये पूजा करते हैं। February 9 को यहाँ पे पूजा होता है। पूजा होता है। तो कोई भी अगर यहाँ पे कल्चरल को देखना चाहते हैं, पूजा इनका जो पूजा का तौर तरीका होता है देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। आ सकता है। 9 February को होता है। जी, यहाँ के बहुत लोग इकट्ठा होगा। अच्छा, डिफरेंट गाँव से बस्ती से आके यहाँ में इकट्ठा होकर हम लोग तीन दिन तक भी चलता है। दो तीन दिन तक चलता है प्रोग्राम। जो संप्रदाय लोगों का ये कल्चरल एक तो सिंबॉलिक है। अच्छा, जो बाहर लोग भी आके भी बहुत देखा है, इसका है जाम्बलियाथन। जाम्बलियाथन हम लोग नेशनल सिंबल बोल के यूज़ करता है, लेकिन यहाँ में कार्बी आंगलोंग में दीपू टाउन में भी एक तो जगह एक तो खड़ा होकर एक तो कोमलिन मतलब स्टेचू बना के रखा है। जैसे तारालांगसो में एक तो एरिया है, वो फेस्टिवल साल भर में मतलब फेब्रुअरी महीना में होता है, लेकिन ये साल आगे बरदान कर दिया, लेकिन फेब्रुअरी महीना में जब होगा तब 15 तारीख से शुरू होता है। उस समय भी आने से वो जो कॉम्प्लेक्स है तारालांगसो कॉम्प्लेक्स, वहाँ में आप लोग का ये जाम्बलियाथन और नोथिंगपी बोल के एक तो घर है, वहाँ मैंने म्यूजियम जैसा बनाया है। अच्छा। वहाँ कार्बी लोग का जितना खान पान रहने सहन जो बस्ती में कैसा बसता है, हम लोग कैसा चलन फरन करता है, सब सारा मैंने वहाँ दिखा देता दे है। लेकिन वहाँ आके आदमी लोग देख सकता है और वहाँ आने से फायदा भी अच्छा है कार्बी लोगों का, कम्प्लीटली वहाँ आप लोग कोई भी मालूम हो जाता है। ये बात बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं, माधाई भी मेरे साथ है फिलहाल, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हम जान चुके हैं। और कल इनका कुछ और यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर में इनका कुछ और कल्चरल का कुछ मतलब ऐसे मान लीजिए कि उनके बारे में और जानना चाहेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है 3-4 किलोमीटर, हम कल वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे, उसके बाद बाकी का। थैंक यू सो मच आप लोगों को जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। सर आपका नाम नहीं पूछना बना। मेरा नाम देवरी रंपी। देवरी रंपी, इसमें कार्बी भक्ति चंप होता है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। अच्छा जी, देवेंद्र मोस का वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कहते तो अभी नए हैं। हमने आज ही गैस भरवाया था पर इसका फ्लेम इतना कम आ रहा है ना कि ये बहुत देर तक जलने के बावजूद भी थोड़ा सा कुछ गर्म नहीं हो रहा है। तो बगल वाले एक दीदी है, उन्होंने वो आए थे ना बात करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कुछ दिक्कत है तो बताऊँ, तो गैस का फ्लेम थोड़ा कम आ रहा है, तो बोल रहे हैं हम तो आपको खाना पका के देते हैं आज ना, तो शायद उनके घर से ही खाना आने वाला है। इसको कल फिर चेक करना पड़ेगा ना कि गैस का क्या दिक्कत है, आज ही चेक कर लेना चाहिए था, बट किए नहीं, हम सोचे गैस भरा लिए तो हो गया, हवा की दिक्कत हो रही है। खैर जो भी हो चलता है। हमारा गैस बर्नर ना आज अच्छे से जल नहीं रहा था, वो दीदी आए थे पीछे से देखने के लिए, तो उनको पता चला कि गैस बर्नर जल नहीं रहा है, तो वो खुद से खाना पका के लाए हमारे लिए टिफिन बॉक्स में। तो दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। अब ये खाने को एंजॉय करते हैं, बाद में बताएंगे दीदी ने कितना टेस्टी खाना बनाया। ठीक है। अब दीदी आपका नाम क्या है? सांगरीम। सांगरीम, हाँ, सांगरीम एनटीपी। अच्छा, तो दीदी ने क्या क्या लाया देखिए, अंडा है, बॉयल मूली है, और यहाँ पे फिश करी भी है। लाइट बंद कर लगाना, मुझे सेल्फीटा जलावनी छोड़ दे, मैं जानी ना।
और फिश करी भी है और दाल भी है और एक पत्ता भी है, इसको हम थानगुनी पत्ता बोलते हैं, अच्छा होता है, मिर्ची है साथ में और चावल भी है। तो माधाईपाल वेजिटेरियन है, वो मीट मछली अंडा कुछ नहीं खाता है, तो ये आज मैं ही खाने वाला हूँ, दाल वो खा देगा। चलो एंजॉय करते हैं इसको। अभी थोड़ा सा दीपू शहर में घूमने लगे हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं करबी का एक यूथ फेस्टिवल ग्राउंड तारलांगसो वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भाई बंधु मिले, इन लोगों से थोड़ा सा बात कर रहे थे। क्या नाम बताया आपने? मेलोडी बसुमतारी। मेलोडी बसुमतारी। कौन सा क्लास है? अभी क्लास टेन में। एग्ज़ाम चल रहा है, तो इन लोगों का फिलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। अच्छा आज फाइनल लास्ट है। अच्छा तो एग्ज़ाम के बाद आज ये लोग मस्ती भी करने वाले थे। पता लेकिन अच्छा फिलहाल हम चलेंगे इस रास्ते में और तारलांग यूथ फेस्टिवल सेंटर चलते हैं। हमको कार्बी फेस्टिवल ग्राउंड के बारे में पता चला था कि यहाँ पे कार्बी कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चल हम जहाँ पे रुके थे आगे से है। अच्छा आगे से हमको असम में कार्बी समाज के बारे में थोड़ा सा पता चला था। कल हम जहाँ से रुके थे वहीं पे, और वहीं से पता चला था कि यहाँ पे एक उनका बड़ा फेस्टिवल ग्राउंड है जहाँ से आके उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। तो फिलहाल काफ़ी देर तक घूमने के बाद हम उनके एंट्री में पहुँचे, एंट्री गेट के सामने ना। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा एक स्टैचू बोल सकते हैं। हाँ थैंक यू सो मच। तो अभी घुसेंगे अंदर की तरफ, ये उनका एंट्री पॉइंट है, देखते हैं शायद टिकट लग सकता है, कोई बात नहीं। अभी जो ये कार्बी का फेस्टिवल ग्राउंड उसके अंदर जाएंगे और टिकट लेना पड़ा, 30 रुपये का टिकट है, 25 रुपये लिया उन्होंने हमसे, 5 रुपये का डिस्काउंट। तो अभी चलते हैं अंदर जाके देखेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, जानेंगे कुछ उनके बारे में। अभी अंदर तक घुस चुके हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ दिख रहा है, किस तरह का घर बनाते थे और किस तरह का रहन सहन, वही सब देख के पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अभी थोड़ा सा घूमेंगे इसको अच्छे से। उनके पोशाक भी ऐसे ही होते थे पहले के ज़माने में जो था। और इधर माधाईपाल खड़े हो गए पोज देने के लिए, खड़े हो गए, फोटो खींच रहा, खींचने लगा तुम भागने लगा। फिलहाल हम हैं दीपू में, ये दीपू शहर है असम के, और आए हुए तारलांगसो देखने के लिए। तारलांगसो कार्बी समाज का एक कल्चरल फेस्टिवल का एक ग्राउंड है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे है। फिलहाल हम इसको पूरी तरह से घूम के देखेंगे, थोड़ा बहुत देखें और बाकी पूरा ग्राउंड घूम के देखेंगे। सो चलिए देखते हैं, बहुत है सर। फिलहाल घूम रहे हैं तारलांगसो में और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, नथंग पी कार्बी हेरिटेज म्यूजियम, तो देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। वैसे इसको डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, तो जाके देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी जाएंगे देखेंगे इसको, और यहाँ पे भी एंट्री फी है 40 रुपये का, तो टिकट लगेगा 80 रुपये, और देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो यहाँ पे पूरा तीर्थ जो कार्बी समाज के लोग यूज़ करते थे उनके और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसी को सब दर्शाया गया है किस तरह से वो यूज़ करते थे सामान वगैरह बुकने के लिए ना। ये शादी का है, ट्रेडिशनल मैरिज सेरेमनी का, ये उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले सामान, ये सब नॉर्मली पानी के लिए यूज़ होता है। ये उनके हथियार, ये पूजा करने का तरीका, ये उनके पोशाक के स्टैचू, इधर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले सामान, ये उनके घरों के स्टाइल, ऐसे घर बनाते थे कार्बी समाज के लोग। इधर भी है बैम्बू के, ये उनके पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले बर्तन,
इधर काम करते हुए उनकी महिलाएं, इधर कुछ हथियार, तीर, इधर उनकी कला, ये भी सब इंस्ट्रूमेंट है कलाकृति के लिए, बंसुरी वगैरह बजाने का। ये उनका नृत्य प्रदर्शन ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कार्बी यूथ फेस्टिवल 2009 ये सब उनका रिबॉर्ड वगैरह रखा हुआ है। ये रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ें, ये उनकी पोशाक बहुत खूबसूरत है। ये उनके घरों में बनाए गए एक कपड़े जो वो पहनते हैं, नॉर्मली सब बनाते हैं घर में ही, और ये रहा उनका बनाने का प्रोसेस। साथ में कुछ ज़रूरत के सामान जो ज़रूरत होती है बनाने के लिए, ये ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, और ये देख के ज्वेलरी देख के लग रही है कॉइन से बना हुआ होता है, शायद अभी भी पहनते होंगे कॉइन से बनाया हुआ ज्वेलरी। हाँ बिल्कुल कॉइन से बना हुआ ज्वेलरी है। यहाँ पे एक सेट भी है और चार आना 25 पैसा वगैरह, पहले जब 25 पैसा चलता था तभी का है, अभी तो खैर चलते नहीं, अभी 50 पैसा या फिर 1 पैसे बनाते होंगे। इधर भी है, ये कान का है, ये अंगूठी है, वाह बहुत अच्छा। उनकी पोशाक और ज्वेलरी दोनों है। बहुत बेहद खूबसूरत, ये किचन का एक नज़ारा, ऐसे किचन होते थे उनका। है कुछ उनकी आर्ट, पुराना जमाने में बेहद खूबसूरत पत्थरों को रखे गए, तो इसी पत्थरों से बनाते थे। टॉप में एकदम कुछ मूर्तियां बना के रखे गए, चावल पीसने का छाम बोलते हैं इसको, महिलाएं काम करते हुए। इधर अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, खूबसूरत है, और चार तरफ का नज़ारा को भी एक बार देख। इधर जो दिख रहा है ये उनका विलेज ऐसा होता था, अभी कुछ कॉटेज बना के रखे गए, इस टाइप का विलेज होते थे, सब बैम्बू का और खड़ से बनाते थे। ये चारों तरफ की नज़ारा, ये है तारालांगसो यूथ फेस्टिवल ग्राउंड कार्वी। तो देख लिया इस जगह को और घूम लिए, और फिलहाल यहाँ से हम नीचे चलने मिलने वाले हैं, और यहाँ से हम निकल के जाएंगे और शहर में, दीपू शहर में, वहाँ पे जाके कुछ सामान वगैरह लेने हैं, और उसके बाद देखते हैं किधर जाते हैं। हम अभी जा रहे थे ना, अभी फिलहाल लामडिंग की तरफ जा रहे हैं। प्यारे प्यारे दो छोटे से बच्चे हैं, ये बोल रहे टाटा, फिर से बोलो टाटा, फिर से बोलो टाटा टाटा, बाय बाय। अभी लामडिंग की तरफ जा रहे हैं, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे बस 2 मिनट पहले एक मार्केट था छोटा सा, और वहाँ का वीडियो बनाना भूल गए।
तो वहाँ से एक बैर लिए हैं। अब बैर के बारे में हमने पहले सुना बहुत था, इसको बोलते हैं एप्पल बैर, एप्पल कूल, एप्पल कूल बोलते हैं ना। तो लिए इसको अभी पहली बार, पहले मैंने कभी खाया नहीं है, बस सुना है। और इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार है, मीठा मीठा सुपर। तो फिलहाल खड़े हैं एक जंगल में, जंगल में नहीं बगल में ही रास्ता है, अभी यहाँ से थोड़ा सा बैठेंगे, बैर शर खाएंगे और फिर जाएंगे लामडिंग की तरफ। तो फिलहाल हम लोग लामडिंग क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहे हैं, और आसमान की हालत बेहद ख़राब है, कभी भी बारिश बरसना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा सब हो सकता है। तो फिलहाल रुकने के लिए सोच रहे थे, और भैया जी थोड़ा सा आइए ना, एक मिनट आसो ना। अच्छा तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने रोका यहाँ पे हमको, तो बोला कि यहाँ पे खा सकते हो, यहाँ पे रुक सकते हो। वो भैया जी वीडियो में आना नहीं चाहते कि नहीं मत दिखाओ ना, किसी को सपोर्ट करने के लिए वो नहीं चलना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और खैर जो भी हो, थैंक्स उनको। और आज यहीं पर रुकेंगे, और खाने का पैसा भैया जी दे रहे हैं, यहाँ पर होटल में खा लेंगे आज। तो वो हमारे बंगाली भाई साहब हैं, खैर जो भी हो। तो और देखते हैं बाद में क्या होता है, कैसा होता है, बारिश होने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो संभाल लेंगे।